Hello everyone, Happy New Year to all of you. I just hope and pray कि आप सब का ये साल बहुत बहुत अच्छा जाए. And welcome back to my channel. And welcome to the very first video of 2020 on my channel. So, since it's the very first video of 2020, मैंने सोचा कि क्यों ना इसे कुछ खास बनाया जाए. और वीडियो खास कैसे होगा? तब जब वीडियो उस बात पर बेस्ड हो जिस बात का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है. सो आप सब लोगों ने सबसे ज्यादा जिन वीडियोस की डिमांड की उनमें से एक आज का वीडियो है. कमेंट्स में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट मुझे इसी बात की आती है कि मैं अपना डाइट शेयर करूं, व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं डाइट में क्या लेती हूं जो मुझे मेरे वेट लॉस में और फिट रहने में हेल्प करता है और मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. So here I am today sharing what I eat in a day. तो जब डाइट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला उसूल जो है वो मैं आपको बता दूं. डाइटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कम खाएं, स्टार्व करें, भूखे रहें, बहुत बहुत गैप में खाएं तो हमारा वजन कम हो जाएगा, बल्कि ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ये बिल्कुल गलत है. हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना होता है. ये हम सब लोगों का एक गलत फहमी है, मिसकंसेप्शन है कि हम अगर कम खाएंगे और बहुत लंबे लंबे वक्त तक नहीं खाएंगे तो हम पतले रहेंगे. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज वो आपकी लाइफस्टाइल नहीं बन सकता. आप कब तक स्टार्व कर सकते हैं? थोड़े दिन, थोड़े महीने ऐसा कर सकते हैं जब आपने बहुत कम खाना खाया, जितनी भूख लगी है उससे कम खाया, सैटिएट नहीं हुए, लेकिन आप क्या उसे लाइफ लॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं? नहीं. और तभी प्रॉब्लम होती है जब लोग स्टार्व करते हैं और उसके बाद जब वो उस डाइट से परेशान होकर उसे छोड़ देते हैं एंड वापस जैसा वो पहले खाते थे खाने लगते हैं, तब जो वेट उन्होंने लूज किया होता है वो बाउंस बैक करता है और कई बार ज्यादा हो जाता है. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल जो डाइटिंग का मैं फॉलो करती हूँ वो ये है दैट आई ईट एट द राइट टाइम, द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड द राइट काइंड ऑफ फूड. यानी अगर आप सही समय पर सही मात्रा में सही खाना खाएं तो आपका वजन कभी नहीं बढ़ेगा. और ये वो डाइटिंग है जिसे आप हमेशा मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप कभी ना थकेंगे, ना कभी डिससैटिस्फाइड फील करेंगे, या फिर कभी इस तरह के हंगर पैंग्स नहीं आएंगे जो आपको मजबूर कर दे डाइट छोड़कर सब कुछ वो खाने पर जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट आई ईट इन अ डे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब मैं सुबह उठती हूँ तो आई टेक वार्म वाटर. वो आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपके सिस्टम में से जितने भी टॉक्सिन्स है उसे फ्लश आउट करने के लिए बहुत अच्छा है. उसके बाद आई एम नॉट टू मच ऑफ अ टी एंड कॉफी पर्सन, लेकिन मैं दिन में दो बार चाय पीना पसंद करती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को. सो अब जब आप चाय पीते हैं तो उसमें कोशिश करें कि लो फैट मिल्क हो, फुल क्रीम मिल्क ना हो, और मैं शुगर की जगह उसमें गुड़ डालती हूँ. जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि चाय में गुड़, लेकिन सच में टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता. और चाय बन जाने के बाद मैं उसमें थोड़ा गुड़ डाल देती हूँ तो वो मीठी भी होती है और शुगर इज एज इट इज आई टोल्ड यू गुड फॉर नथिंग, तो मैं अवॉइड करना पसंद करती हूँ. देन उसके बाद ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे. कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं ये सोचकर कि चलो एक बार का खाना कम खाया, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होती है. ब्रेकफास्ट हमेशा पेट भर के और अच्छे से करना चाहिए. सोकर उठने के दो घंटे के अंदर कुछ खाना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिस तरह से हमारा सिस्टम वर्क करता है, फैट बर्न करता है, कैलोरीज बर्न करता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो आपको सारे दिन भर के काम के लिए एनर्जी देता है और आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक चलता है. अब ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए? सो देर आर मैनी ऑप्शंस इन ब्रेकफास्ट फॉर यू. आप पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, मूंग की दाल के चीले खा सकते हैं, जो मैंने आपको अपने वीडियो में बनाना भी बताया है. और इडली इज वेरी गुड ऑप्शन. इडली में आप बस जैसे मैं इडली के साथ मूंगफली की चटनी नहीं लेती हूँ, हरे धनिया की चटनी लेती हूँ, बिकॉज मूंगफली फैटनिंग है. सो आप इडली खा सकते हैं. जो लोग एग्स खाते हैं वो
eggs and brown bread ले सकते हैं. मैं mostly नाश्ते में दो brown bread with eggs लेती हूँ, उसमें egg white लेती हूँ. लेकिन egg yellow, जो egg yolk होता है, उसे completely eliminate मत कीजिए, क्योंकि वो जो egg white है उसमें जितना protein है उसे digest करने के लिए वो egg yolk बहुत काम आता है. इसलिए अगर आप दो अंडे का omelette बना रहे हैं तो उसमें दो अंडे का egg white ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा yolk डाल दीजिए, like आधा yolk डाल दीजिए. तो आप अगर आप सिर्फ एग वाइट्स खा रहे हैं तो आप दो की बजाय चार अंडे भी खा सकते हैं, आप उबला अंडा खा सकते हैं, आप ऑमलेट बना सकते हैं, आप स्क्रैम्बल्ड एग खा सकते हैं, भुर्जी, जिस भी फॉर्म में आपको अंडा पसंद हो आप खा सकते हैं. एग इज़ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ब्रेकफास्ट के तकरीबन डेढ़ दो घंटे के बाद एक फ्रूट ज़रूर लीजिए. दिन में दो फ्रूट्स ज़रूर खाइए, क्योंकि मैं ज़रूर खाती हूँ. तो आप शाम को एक बार कोई फ्रूट ले सकते हैं, दिन में एक फ्रूट ले सकते हैं. मेरा फॉर्म ऑफ डाइटिंग ये है कि मैं हर दो तीन घंटे में छोटे छोटे मील्स खाती हूँ, बहुत हैवी मील्स नहीं लेती हूँ. वो राइट काइंड ऑफ डाइटिंग है और आपके सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है. आप स्मॉल मील्स, स्मॉल पोर्शंस बेटर डाइजेस्ट कर पाते हैं बजाय हैवी और बिगर पोर्शंस के. तो ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट के बाद फ्रूट ले लिया, कोई भी फ्रूट, गुआवा, ऑरेंज, पेयर, एप्पल या जो भी फ्रूट आपको पसंद है. उसके बाद लंच का टाइम आता है. लंच इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील्स जिसमें आप जी भर के, पेट भर के खाइए, क्योंकि डिनर एकदम लाइट होना चाहिए. मैं लंच में गेहूं की रोटी खाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि गेहूं में ग्लूटेन होता है और मुझे गेहूं से वेट गेन ज़्यादा होता है. ऑल्सो बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मुझे हाइपोथायराइड है तो उसमें ग्लूटेन फ्री फूड ज़्यादा सपोर्ट करता है आपके सिस्टम को. तो मैं ऐसा नहीं कि गेहूं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, कभी कभी खाती हूँ, लेकिन प्रेफरेबली ज्वार की रोटी. सो ज्वार की रोटी फिलिंग भी बहुत होती है और वो आपको काफ़ी देर तक ऐसा फील कराती है कि आपका पेट भरा हुआ है, आसानी से जल्दी वापस भूख नहीं लगती है. तो मैं अपने लंच में वन बोल कर्ड लेती हूँ. जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो बहुत अच्छा है, मुझे लीफी वेजिटेबल्स बहुत पसंद है. तो मैं मेथी तो बहुत शौक से खाती हूँ. सो आप कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, साथ में दाल ले लीजिए, दाल इज़ अगेन अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और ज्वार की रोटी. बट खाना शुरू करने से पहले अगर आप थोड़ा सैलेड खा लें, जैसा मैं करती हूँ, मैं थोड़ा सा सैलेड पहले खा लेती हूँ, तो वो ऑलरेडी एक बेस बना देता है आपके लिए. और फिर उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ी सी भूख कंट्रोल हो चुकी होती है, इन एनी केस अगर आप दो दो घंटे में खा रहे हैं तो आपको उतनी भूख लग भी नहीं रही होती है, तो आप ऑटोमेटिकली स्मॉलर पोर्शन खाएंगे जो आप लंच करेंगे और आपका पेट भी अच्छे से भर जाएगा. ट्रस्ट मी, बिल्कुल हंगर पैंग्स नहीं आते हैं अगर आप इस तरह से डाइट फॉलो करें. देन जब आपने लंच कर लिया, उसके दो घंटे तीन घंटे के बाद आप चाहें तो ग्रीन टी ले लीजिए, या अगर आपको भूख लग रही है, जो बहुत डाउटफुल है कि लगेगी, लेकिन अगर भूख लग रही है तो देर आर स्मॉल लिटल थिंग्स टू मंच, जैसे आप ड्राई फ्रूट मंच कर सकते हैं, नट्स, जिसमें काजू मत लीजिए बिकॉज उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और वो फैटनिंग है, तो आप बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए, पिस्ता ले लीजिए. दीज आर गुड ड्राई फ्रूट्स दैट यू शुड बी ईटिंग. सो आप थोड़े नट्स ले सकते हैं या चना, रोस्टेड चना. अगेन, चना इज प्रोटीन एंड इट्स रोस्टेड, इट्स वेरी गुड व्हेन यू आर डाइटिंग एंड टू मेंटेन. तो आप थोड़ा सा वो एक मुट्ठी भर भी खा लेंगे तो आपको वापस लगेगा कि हाँ, यू आर गुड टू गो. देन अगेन, एज आई सेड, टू फ्रूट्स अ डे. तो सेकेंड फ्रूट का टाइम आ जाता है, शाम को आप एक फ्रूट ले लीजिए. उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका डिनर का टाइम हो जाता है. In between, if you want to have tea or coffee, like I like having my tea in the evening, so I have tea in the evening around 6 o'clock. तो आप भी जो भी आपको पसंद है, tea, coffee आप ले सकते हैं. उसके बाद जब dinner time आता है तो my dinner is the lightest meal of the day. मुझे generally पता नहीं क्यों dinners में सब्जी रोटी खाने का दिल ही नहीं करता है. So कई बार मैं सिर्फ egg ले लेती हूँ, salad ले लेती हूँ, या any form of like सॉर्टेड वेजिटेबल ले लिए जिसमें आपने पनीर डाल लिया तो उसमें प्रोटीन दिया गया. सो देर आर वेरी मैनी फॉर्म्स जिससे आप
लाइट डिनर कर सकते हैं, बट आपको अगेन भूख नहीं लग रही होती, आप अपना पेट अच्छे से भरते हैं, आप उसमें जितना सैलड खाना चाहें खा सकते हैं, आप सूप डिफरेंट तरीके के बना सकते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, यू हैव मेनी ऑप्शंस, बट जस्ट ट्राई टू कीप योर डिनर लाइट, लाइक लो कार्ब डिनर। आप डिनर में पेट अच्छे से भरिए, लेकिन आप क्या खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं डिनर में कार्ब्स कम लेती हूँ एंड प्रोटीन ज़्यादा लेती हूँ, और उसके बाद एक दो घंटे बाद तो सोने का टाइम आ जाता है। अगर आपको फिर भी भूख लगे तो देन जस्ट हैव वन कप मिल्क बट लो फैट, नॉट फुल क्रीम, एंड योर डे इज ओवर एंड यू आर डन एंड ऑफ टू बेड एंड रेडी फॉर अनदर डे। है ना सिंपल सी डाइट। अब अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो सबसे पहले तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइट कर रहे हैं, एंड सेकेंडली ये आप बहुत ईजीली इन रूटीन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली चीटिंग डेज बहुत ज़रूरी है। वो जो चीट डेज होते हैं ना, वो आपको आप लुक फॉरवर्ड जब करते हैं तो जो दिन आप डाइट कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि आप जो खाना चाहते हैं वो नहीं खा पा रहे हैं, वो आपको हिम्मत देता है जब आप चीट डे की तरफ देखते हैं कि ओके 3 more days टू गो एंड आई हैव माई चीट डे कमिंग। जिस दिन चीट डे है आप थोड़ा सा स्मार्टली चीट कीजिए, लेकिन जो भी खाना चाहें वो खाइए, क्योंकि एक दिन खा लेने से कोई वजन नहीं बढ़ जाता, यू कैन बर्न इट ऑफ द नेक्स्ट डे। और मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं चीट जरूर करती हूँ, हफ्ते में एक बार तो डेफिनेटली बाहर का खाती हूँ। और आपको जो भी पसंद है, चाहे बाहर का चाहे घर का, जिसमें थोड़ा सा आपको लगे कि ये मेरे डाइट के पेरिफेरी में नहीं आ रहा है और ये चीट के कैटेगरी में आ रहा है, आप खा सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जिसका आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, जो मैं रखती हूँ, वो हैं आप फ्राइड जितना कम हो सके खाएं, और जैसा मैंने कहा कि स्टार्व बिल्कुल ना करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है पानी। आप एटलीस्ट 2 से 3 liter पानी ज़रूर पीजिए दिन में, क्योंकि आपको कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि मुझे भूख लगी है, उस वक्त आप पानी पीजिए, वो जो आपको हंगर पैंग लग रहा होगा वो अपने आप सेटल हो जाएगा। तो कई बार हमें एक्चुअली भूख नहीं लगी होती है, प्यास लगी होती है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे भूख समझ लेते हैं। लेकिन अगर उस वक्त आप पानी पिए और वो भूख वाली फीलिंग सेटल हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपको भूख नहीं लगी थी, इट वॉज मे बी पैंग फॉर वाटर, लाइक अ थर्स्ट पैंग, नॉट हंगर पैंग। तो पानी पर ज़रूर ध्यान दीजिए, और इन सब डाइट का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिले उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। नाउ बहुत लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो सिर्फ अगर आप 45 मिनट्स वॉक कर लें तो भी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। मैं तो बहुत रेगुलरली जिम करती भी नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट टू मच ऑफ अ जिम पर्सन इन एनी केस, लेकिन जिस किस्म की डाइट मैंने आपको बताई जो मैं फॉलो करती हूँ, उसके साथ साथ सिर्फ एक 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक भी कर लेती हूँ, सो यू आर सीइंग द रिजल्ट, आई हैव बीन एबल टू मेंटेन माय वेट क्वाइट वेल। सो या इफ यू वांट इवन बेटर रिजल्ट्स, तो प्लीज आप जिम जाइए, या जो भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, किक बॉक्सिंग करना चाहते हैं, कार्डियो के लिए आप डांस कर सकते हैं, जुम्बा क्लासेस, देर आर मेनी 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 ऑप्शंस, जो आप करना चाहें वो आप कीजिए। और अगर ये सब में से कुछ भी करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो दिन के 45 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए और खुली हवा में जाइए और सिर्फ वॉक करते आ जाइए। यू विल फील मच लाइटर एंड मच नाइसर, और रात को नींद बहुत अच्छी आएगी। So I hope all those people जो ये जानना चाहते थे कि what I eat in a day, they have got to know what I eat in a day। ध्यान रखिए, dieting हमेशा सही वक्त पे खाने का नाम है, भूखे रहने का नहीं। So happy dieting to all of you, and I hope that you all have a super 2020, a fitter one, healthier one, beautiful one।